के लिए प्रायोरिटी रहेगी कि हमीरपुर जिला हर क्षेत्र में सबसे अग्रसर रहे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स का क्षेत्र हो, और या और भी जो भी मापदंड है उसमें हमीरपुर खरा उतरे, ऐसी पूरी कोशिश रहेगी कि पूरी डिस्ट्रिक्ट एज ए टीम काम करे और इन सारे इश्यूज को टैकल करे। देखिए, हमीरपुर जिला के लिए जो भी अच्छे काम, चाहे वो पहले से पाइपलाइन में है, चाहे जो मुझसे पहले यहाँ पे अधिकारी रहे हैं उन्होंने शुरू किए हैं, वो शहर की भलाई के लिए हैं, अच्छे हैं, तो उन्हें कंटिन्यू ज़रूर रखा जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी। और जैसे कि आपने बोला कि शहर का सौंदर्यकरण, वो तो हर शहर सुंदर होना चाहिए, लोग भी चाहते हैं कि उनका शहर और उनका आसपास का वातावरण सुंदर हो, तो इसमें लोगों को भी कॉपरेट करना होता है और प्रशासन की तरफ से इसमें जो भी ज़रूरतमंद कोशिशें होंगी, नए इनिशिएटिव्स होंगे, वो लिए जाएंगे। सशक्तिकरण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है जो कि हर जगह होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में, देश भर में। इसकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से मुहिम भी चल रही है, इसी में आगे काम करने की कोशिश करेंगे और महिलाएं आत्मनिर्भर बने, उनका जो है कॉन्फिडेंस बढ़े, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। तो कोई भी काम होता है उसमें उनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। जहाँ तक शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा के मामले में पूरा ध्यान रखने की कोशिश की जाएगी कि बच्चों को अच्छे स्तर की शिक्षा हमारे सरकारी स्कूलों में उपलब्ध हो, जिससे कि आगे उनका जीवन सुधरे। और वहाँ पे अगर उनको किसी करियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है या और किसी उनकी कोई मेजर प्रॉब्लम आ रही है, उसको समझा जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा और उसका पूरा हम हल निकालने की कोशिश करेंगे।